10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख पहले से तय किया था, आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़कर के 12 लाख हो जाएगा। रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा। सर, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, हम लोग पहले 10 लाख नौकरियां की बात करते थे, अब 12 लाख हैं वो नौकरियां देंगे। और जिस तरह से रोजगार की बात करें तो हम लोगों ने कहा था कि 20 लाख रोजगार देंगे, ऐसे में अब तक 24 लाख रोजगार है वो दे दिया गया है और 10 लाख रोजगार देंगे। यानी कि जिस तरह से बात करें कि 34 लाख टोटल रोजगार हैं जो बिहार वासियों को देंगे, तो साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले क्या कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले सुनिए उनकी बात। स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। हमने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें महिलाओं को जीविका का नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई, इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई। और अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया गया। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा। वर्ष 2020 में 7-2 के तहत 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। यहां भी एक साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे, आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा, ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2,00,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख पहले से तय किया था, आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़कर के 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। हमने सभी धर्म एवं जात के लोगों के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सभी के लिए काम किया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में फिर से ऐलान किया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार नहीं, अब 12 लाख रोजगार है जो पूरे बिहार वासियों को दी जाएगी, यह चुनाव से पहले कर लिया जाएगा। इस तमाम खबरें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।